अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं। अच्छा सर, हमारी व्यूवर्स को अपना शॉर्ट सा इंट्रो करवा दे और शॉप कहाँ पे है, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग बता दे सर। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद वकास है। जी सर, हम जो शॉप है इस वक्त ये जिनाह सुपर F7 मरकज में है। जी सर, ठीक है। शॉप नंबर C12 ब्लॉक 12C। अच्छा, शॉप नंबर 18 सर। अच्छा सर, सेकंड टाइम मैं आया हूँ। आई थिंक आपके कज़न ने, आपके भाई ने एक वीडियो बनाई थी, तो आज वो नहीं है। तो आपसे इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स की नॉलेज आप हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी व्यूअर्स को क्या दिखाने जा रहे हैं और रेंजेस के हवाले से भी हमारी व्यूअर्स को आगाह करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं और सर व्यूअर्स को बताते हैं और स्टफ वाइज सिर्फ ओरली बता दें कि क्या क्या होते हैं आपके पास। हमारे पास सबसे पहले, हम अगर स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा ट्रेडिशनल ज्वेलरी में। अच्छा सर, चूँकि आप बिल्कुल फर्दर जो है ना स्टेप इन जब करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो है ना वो ट्रेडिशनल ज्वेलरी लाइक अफगानी, ईरानियन, टर्किश, इस तरह की जो ज्वेलरी स्टार्ट होती है ना स्टेप इन करते वक्त, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप फर्दर जो है ना स्टेप इन करने की बजाय सबसे पहले ट्रेडिशनल ज्वेलरी पर इसको फोकस करते हैं। दिखा दे सर कौन सा। जी सर, जैसे हमारे पास ये चोकर्स लगे हुए हैं गले के, बिल्कुल अफगानी ट्रेडिशन में, बिल्कुल जो नेक के, जी हाँ बिल्कुल, जो निकाल के दिखा दे एकदम इसे ताकि व्यूअर्स को पता चले। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको, मतलब के जो गिलेट सिल्वर में है एंटीक स्टाइल। अच्छा, ठीक है। सबसे अच्छा, पहले आपको बता दूं जो पीछे जो कपड़ा लगा होता है ना, ये दरअसल में अफगानी ट्रेडिशन को जो है ना ये थोड़ा फोकस कराता है। अच्छा, मतलब हाईलाइट करता है, ठीक। अच्छा, है तो ये बिल्कुल गले के साथ इस तरह चिपक के आता है, जबरदस्त, ठीक है सर। और इसमें फर्दर अगर आपको वैरायटीज चाहिए तो फर्दर ट्रेडिशनल वैरायटी में हमारे पास फर्दर। अच्छा सर, ये बता दें इसका कलर फेड होने का कोई चांस है कि नहीं? सर ये एंटीक में होते हैं ओरिजिनल, मतलब कि जो पीसेज हैं हमारे पास ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान, ये हम थ्रू तुरखम बॉर्डर लेके आते हैं, ठीक है सर। ये ओरिजिनल है गिलेट मेटल में, इनका कलर ही ऐसा होता है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज है ये? जी जी, ऑक्सीडाइज होते हैं। अच्छा सर, वैसे प्राइस रेंज क्या होगी इसकी सर? प्राइस रेंज इसकी होगी सर 1850, मतलब 1850। अच्छा सर, इसमें हमारी व्यूअर्स के लिए कुछ खातिर तवाजो करेंगे कि नहीं? आप बिल्कुल, क्यों नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिक्स प्राइस नहीं, ये कस्टमर प्राइस होती है, बार्गेनिंग, जाहिर सी बात है बार्गेनिंग करना सुन्नत है, कस्टमर बार्गेन करता है तो ऊपर नीचे हम कर लेते हैं, जिसमें मुनासिब हो सकते हैं हम कर लेते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, इसमें अगर थोड़ा सा छोटा सा हो तो काफ़ी हैवी है सर। जी जी, लाइट सा हो तो वो भी दिखा दें। बिल्कुल, आपको लाइट भी बता देता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी वसी रेंज में वैरायटी बढ़ी हुई है। थैंक यू सो मच सर। और इसमें अगर आपको, मतलब कि ये देखें, अब इस तरह के आते हैं साथ में, ये लाइट वेट है। अच्छा, ये लाइट वेट, जी हाँ, ये 950 की कॉस्ट है। अगेन आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है, जो डोरी है ये अफगानी ट्रेडिशन की अपनी डोरी है, ठीक है। तो ये उसको फोकस और हाईलाइट करती है, तो मल्टी शेड में है, हर कलर के कपड़ों के साथ भी आपका चल सकता है, ठीक है। ऊपर क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। अच्छा, ऊपर क्रिस्टल्स लगे हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, कॉइंस तो हैं ही हैं, ये क्रिस्टल्स लगे होते हैं। जी हाँ, आप कहीं भी जाइएगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, आपको जब ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बारे में पूछेंगे तो हर कोई बोलेगा ये ओरिजिनल स्टोन्स है, असल में ओरिजिनल स्टोन्स होते नहीं है। अच्छा सर, ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल नहीं होते, ओरिजिनल ओरिजिनल क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, ओरिजिनल क्रिस्टल, जी हाँ। आपको तो पता है ना, जैसे ईरानी फिरोजा, लद्दाखी, हुसैनी फिरोजा, उनकी कीमतें 18,000-20,000 से स्टार्ट होती हैं। अब जैसे इसमें अकीक लगा हुआ है, साथ में कैट्स आई लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर हम कहें कि ये ओरिजिनल है तो फिर हम कस्टमर को जब प्राइस बताते हैं कि ये 950 है, अच्छा, तो फिर कस्टमर तो जाहिर सी बात है वो आपका फोकस हो जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वो झूठ में आ जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा सर जी, अच्छा सर, इसके अलावा जी जी और कौन कौन से चोकर्स आपके पास होते हैं जो? एज यू कैन सी सर, ये मतलब कि अगर बड़े स्टाइल में चाहिए फैलाओ, मतलब ये पीछे गर्दन के पीछे तक भी जाए, यहाँ कंधे तक भी आए, तो ये चोकर्स नीचे लगे हुए, ये रेंज वाइज के हिसाब से। ये सर निकाल के दिखा दी सर। जी जी, कौन सा निकाल के देखा? ये वाला सर। ओके सर, ये तो बिल्कुल गले को सर कवर करेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आराम से कवर करेगा। ये देखिए, जैसे अब ये यहाँ से आया, ये देखिए, ये इस तरह, मैं थोड़ा सा टर्न भी हो जाता हूँ आपके लिए, आप ताकि हल्का सा फोकस भी कर सकें। ये देखें, यहाँ तक पीछे आ जाते हैं, तो एडजस्टेबल है, ये देख सकते हैं। एडजस्टेबल, जी हाँ, एडजस्टेबल है, मतलब कि इसकी डोरी को जो थोड़ा सा लेंथन बनाया गया है ताकि ये आप एडजस्ट कर सकें एज अ। अच्छा, मज़े की बात इसमें ये सर, ये डबल ऑप्शनल में यूज़ हो सकता है। अच्छा जी हाँ, आप एज अ, मतलब कि इसकी डोरी को
ये देखिए, ये थोड़ा सा ढीला करके ना एडजस्टेबल है, उसमें अपने साइज के मुताबिक से एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगेन ये ओरिजिनल हैंगिंग में भी पहन सकते हैं और नेक के साथ एज अ नेकलेस, एज अ नेकलेस, एज अ चोकर आप दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। जी सर, रेंज क्या होगी इसकी? ये 2800 2800। जी सर, इसमें एक्चुअल प्राइस बता रहे हैं, इसमें आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके अलावा सर नेक्स्ट साड़ी का अब ये देखिए। जी जी बिल्कुल, आप बाकी चॉकर्स में अगर देखें तो आप अगर फोकस करें इन पे, इनमें भी मैं आपको बता देता हूँ, एज यू कैन सी ये गिलेट में। अच्छा, ये अफगानी। अच्छा, ये अफगानी है। जी हाँ, ये नीचे आप देख सकते हैं, आजकल वैसे भी ड्रामा जो चला हुआ है अर्तुरुल, हाँ ये उसकी रेप्लिकेशंस में बनाया गया, मतलब कि चीज़ ओरिजिनल है। अच्छा, लेकिन उनके डिज़ाइन को फॉलो अप किया गया। अच्छा, ठीक है। ये नीचे भी उसके नीचे लगा हुआ है, अभी उसके नीचे जो है ना ये फर्दर क्वार्टरलेट में बना हुआ है। ठीक है, ये सिंगलेट में बना हुआ है, सॉरी डबलेट में बना हुआ है, अगेन डबलेट विद घुंघरू स्टाइल। ठीक है, ये ओरिजिनल टर्किश में आते हैं, टर्किश डिज़ाइन। अच्छा, ठीक है जी हाँ, और सबसे जो ओरिजिनल है फिर वो ये है सर। जी हाँ, इसकी जो प्राइस होती है 5500। जी हाँ, ये जो कस्टमर प्राइस है, अगर आपके रेफरेंस के थ्रू कोई भी कस्टमर आता है तो हम उन्हें इंशाल्लाह प्रायोरिटाइज करेंगे। ठीक है, आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशली स्पेशली यहाँ पे आपके पास ये माता पट्टी लगी है। ये माता पट्टी है। अच्छा सर, ये अफगानी डिजाइन है। अफगानी डिजाइन है सर, आपको पहले बता दूँ। दिखा दे सर। जी जी, ये माता पट्टी। ठीक है, आप यू कैन वेयर एट इज इट लाइक एज अ कैप, यू कैन वेयर इट लाइक अ कैप। ये आपकी माथा पट्टी है। ठीक है, अभी आप इसमें देख सकते हैं गोल गोल दायरे बने हुए हैं। बने हुए ना सर, ये अफगानी ट्रेडिशन को जो है ना ये हाईलाइट करता है। अब इसमें फर्दर और भी डिजाइन आते हैं। अच्छा सर, इसका ये बैक वाला स्टफ ये कौन सा है? ये कपड़ा, ये कपड़ा सर, मतलब सिंपल नॉर्मल कपड़ा, नॉर्मल कपड़ा होता है। अच्छा सर, नॉर्मल कपड़ा होता है जो, अब अगर आप इस पर फोकस करें आपको खुद बहुत पता चल जाएगा। ये देखें, ये नॉर्मल कपड़ा है, ये अफगानी ओरिजिनल डोरी है। अच्छा, अफगानी ओरिजिनल डोरी, डोरी जो अच्छा, उनके अपने ट्रेडिशनल जो है ना, ट्रेडिशनल ज्वेलरी को जो अच्छा, मतलब के सकाफती जो जी जी सकाफती कल्चरल। अच्छा, और ये सिंपल। अच्छा सर, ये सिंपल होगी। अच्छा सर, माता पट्टी की प्राइस क्या होगी वैसे? ये 650 सर, आपके व्यूवर्स के लिए, वैसे जो हम सेल करते हैं 1200-1400। अच्छा जी सर। अच्छा सर, अब ये आया, ये लाइट वेट चॉकर है सर। अच्छा जी, आप उसमें चॉकर जब मांग रहे थे ना, मैं सबसे लाइट वेट चॉकर ये गिलेट में। अच्छा, गिलेट में जी, गिलेट मतलब कि ये अफगानी गिलेट। अच्छा जी, प्राइस क्या होगी इसकी? ये 750 सर। 750 या। अच्छा सर, नेक्स्ट ये तो चोकर्स हो गए, इसके अलावा आपके पास और क्या वैरायटी होती है वो हमारी व्यूअर्स को बता दें सर। और वैरायटी अगर इस तरह गिलेट चोकर्स जो हैं अफगानी ट्रेडिशनल में, मैं आपके व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा, अगर इनके नेकलेसेस चाहिए तो नेकलेसेस भी हमारे पास हैं, ओरिजिनल जो डोरी के साथ आते हैं, अपनी जो अफगानी जो डोरियां हैं। अच्छा, मतलब ट्रेडिशनल। अच्छा, ठीक है, उनकी डोरी के साथ अगर आपको चाहिए चॉकर्स, वो भी अवेलेबल हैं। ये 1000 तक की रेंज है, 1500 की रेंज में ये वाले। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये 1000 से 1500 की रेंज में, और ये ऊपर से जो है ये 800 से लेके 1400 की रेंज में। प्राइस भी काफ़ी माशाल्लाह रीजनेबल है। रीजनेबल इंशाल्लाह, रीजनेबल प्राइस। अब आगे फर्दर अगर हम चलें, अब इसमें आते हैं हमारे पास, ये देखें, ये मैं प्यार से अपने जो मतलब अपने कस्टमर्स के लिए जो मैं प्यार से वर्ड्स यूज़ करता हूँ, सिंगलेट। अच्छा, मतलब कि एक लेयर में ना। अच्छा सर, ये ओरिजिनल गिलेट की पहचान ये है सर, जब आप उठाएंगे उस नेकलेस को या चोकर को वो भारी होगा। अच्छा सर जी हाँ, उसकी जो रेप्लिकेशन आती हैं वो हल्की होती है, लाइट वेट होती है। अच्छा, ठीक है सर। एज यू कैन सी ये सिंगल लेयर में, ये सिंगल लेयर। जी हाँ, ये सिंगल लेयर में। फिर इसमें एक और मतलब कि इसमें आपको 50 से 70 80 तक डिजाइन हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल है, ये मिक्स अप लगे हुए हैं ना। अच्छा, ये देखिए आप अगर इनको जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यार सॉरी सर, इसको बीच में से स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, एक एक ये डिज़ाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये फोकस कीजिए, ये देखिए इसमें डिजाइन, ये डिजाइन पड़े हुए काफी सारे, इस साइड में भी लगे हुए, ये सारे काफी दीदा जेब लग रहे हैं सर। ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो है इंतहाई जबरदस्त लग रही है। जी हाँ, अब उसी में सिंगलेट में इसकी रेप्लिकेशन आई, मतलब कॉपी, जिसे आप कॉपी कह सकते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में, वो ये है। अच्छा, ठीक है सर, आप इसको आप टेढ़ा करना चाहें, ये देखें ये टेढ़ा हो जाता है, ये रेप्लिकेशन है। अच्छा, ये रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन है सर। अच्छा जी हाँ, और वैसे स्टोन इसमें ये कौन से लगे हुए, ये वाले
जी सर, ये क्रिस्टल्स लगे होते हैं, मरजान के क्रिस्टल्स, मरजान क्रिस्टल्स लगे होते हैं, ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा, ये सारे क्रिस्टल्स होते हैं ट्रेडिशन को हाईलाइट करने के लिए। अच्छा सर, ये हो गया। अब ये ओरिजिनल है तो इसकी कीमत है सर 1850 से लेकर 2500 तक, 2500 रेंज। जी हाँ, ये रेंज है। अब इसकी ये कॉपी है, ये 950 से लेकर 1300 तक की रेंज में, जी हाँ, जो हम कस्टमर्स को मतलब प्राइसेस देते हैं। अच्छा, अब उसी के साथ जो आपको सिंगलेट में बताया था, अब उसका दूसरा डिज़ाइन है ये ट्रिपलेट में। अच्छा, ये तीन लेयर में ट्रिपलेट। अच्छा जी, हम इसे प्यार से ट्रिपलेट कहते हैं। अच्छा, और ये अगेन ये ओरिजिनल ओरिजिनल गिलेट में। अच्छा जी हाँ, आप कहीं से भी पता करवाइए, ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, पहनने के काबिल भी है, और मज़े की बात ये हमने हर चीज़ सैनिटाइज की हुई है। अच्छा सर, जी हाँ जी हाँ, हम एस ओ पी को भी फॉलो करते हैं साथ साथ। अच्छा सर जी हाँ। अच्छा सर, इसके साथ भी वही डोरी लगी जी है, ये एडजस्टेबल है डोरी की? नहीं जी जी, एडजस्ट आप कर भी सकते हैं। अच्छा सर, वैसे तो बटन के साथ है ना। अच्छा, ये देखिए, अब आप डोरी अगर आप बटन के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बटन को बंद करके, तो एज यू कैन सी ये इस तरह बन जाता है। अच्छा सर जी हाँ, ये बिल्कुल इस तरह एज अ नेकलेस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर एज अ चौकर अगर इसको आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको सेफ्टी पिन या किसी भी तरीके से आप बंदे को आइडिया आ ही जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, बिल्कुल साथ भी लग सकते हैं, लेकिन ये एज अ ये ट्रिपलेट फॉर्म में है तो ये एज अ नेकलेस ज़्यादा सूट करता है। अच्छा सर, वैसी प्राइस रेंज क्या होगी इसकी? ये 4500 सर। 4500 जी हाँ। अच्छा सर, अच्छा सर, वैरायटी माशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है सर जी। सर मूव करते हैं सर, यहाँ पे आ जाते हैं इस सेक्शन में। ये किस चीज़ का सेक्शन है ये बता दें सर। जी सर, सबसे पहले अब सेक्शन इसमें आए हैं जी सर, तो ये हमारे पास उसी अफगानी अगेन अफगानी ट्रेडिशन में ये पेंडेंट्स भी हैं, एज अ झूमर भी है, जैसे आप चाहें। ये एज अ पेंडेंट हमने बनाया हुआ है, काली डोरी डाल के, नेपाली डोरी है। अच्छा सर, नेपाली डोरी। तो इसके साथ एज अ पेंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ जो अफगानी कल्चरल है वो एज अ झूमर भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, झूमर इसका सर, ये इस तरह भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं। जी सर, सेपरेट झूमर है ये? जी हाँ, सेपरेट। आप इसको झूमर के तौर पे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर पे फटाफट बना देते हैं। अच्छा, अगर ऑर्डर मेकिंग करते हैं सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये दरअसल में हमारी एक कस्टमर है, स्पेशल, वेरी स्पेशल कस्टमर है। अच्छा, लाहौर से, फ्रॉम लाहौर। अच्छा, तो वो वैसे टूर, जब पाकिस्तान टूर पे निकलती हैं तो लाजमी हमारे पास आती हैं। ये जितनी आपको वैरायटी अभी तक दिखाई है ये उनके ऑर्डर पे आई है, उन्होंने कहा था मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, वो एक या दो दिन में इंशाल्लाह वो आ रही हैं जी। बहुत स्पेशल कस्टमर है हमारी। जी सर, तो जी सर। वैसे सर झूमर की प्राइस क्या थी? ये 1450 से स्टार्ट होते हैं सर। अच्छा सर, और 2800 तक। अच्छा, साइजेस का डिफरेंट होता है? जी, साइजेस का डिफरेंस, मेटल का डिफरेंस, जो इसके अंदर जो चीज़ लगी होती है ना। अब ये देखें यहाँ से कैसे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए और यहाँ देखिए, फिर आगे इस दूसरे को देखिए, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा आपको, हल्का सा। फिर ये आगे देखिए, डिज़ाइन वाइज के हिसाब से इनके ऊपर जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं उनके हिसाब से, ये देखिए डिज़ाइन काफ़ी सारे हैं। ये देखिए जी हाँ, सारे डिज़ाइन लगे जी सर। अच्छा सर, यहाँ पे सर आ जाते हैं ये कॉइन्स में एक और सेट लगा हुआ है, ये माला है, माला टाइप लगा, सिंपल माला है सर। ठीक है, मेटल में बनी। अच्छा सर, मेटल में बनी। जी हाँ, और मज़े की बात ये, जो चीज़ मेटल में बनती है वो दोबारा रिसाइकल होती नहीं है, अगर हो भी गई बड़ी मुश्किल से होती है, खर्चा करवाती है। अच्छा जी हाँ, ये सिंपल मेटल में बनी हुई, नीचे कॉइन्स लगे हुए, नीचे कॉइन्स लगे हुए। आप अगर कॉइन को देखें, कॉइन्स को, तो ऐसे लगता है जिस तरह प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। जी हाँ, ऐसे ही लगता है, और इनकी वो है ही नहीं है, देख सकते हैं आप, मतलब आवाज़ ही नहीं, जो जिस तरह छनकार ही नहीं जिस तरह कॉइन्स की होनी चाहिए। अच्छा सर, प्राइस क्या होगी इसकी? ये 750 सर। 750 जी हाँ, लेकिन कलर इसका फेड नहीं होता, कलर फेड इंशाल्लाह, मेटल है, फेड होने की गारंटी होगी, फेड होने की गारंटी, अगर फेड हुआ वापस लेके आएंगे। हाँ, अगर इसी में अगर हम फर्दर चलें, जैसे ये है ऑक्सीडाइज्ड गिलेट में। अच्छा सर जी हाँ, ब्रास में आया हुआ, ब्रास कोटेड है, गिलेट में आया हुआ। अब अगर ये फेड करें, परफ्यूम पानी से ऑक्सीडाइज होकर अगर ये फेड हो, तो इसको लेमन मारें दोबारा से, ये दोबारा से रिसाइकल हो सकता है, रिफ्रेश हो सकता है ये। अच्छा सर जी हाँ। अच्छा सर, प्राइस उसकी क्या होगी? जी सर, ये 750, ये 1250 सर। ये 1250 या गिलेट है? गिलेट है ये। जी जी, अगेन गिलेट, अफगानी। अच्छा सर, अच्छा सर, ये आपके पास ये गोल्डन में कुछ जी, ये गोल्डन में ओरिजिनल बना हुआ है, ये गिलेट में, ये भी अगेन गिलेट है। ठीक है, कोटेड है विद ब्रास, ब्रास कोटेड है। ठीक है, ये ट्रिपलेट पॉइंट्स लेयर में। अच्छा जी हाँ, आप देख सकते हैं इसके जो अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट बना हुआ है। अब अगर आप इसको इस तरफ जूम इन कीजिए, ये देखें मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है।
बिल्कुल एग्जैक्टली जा रहा है ना या, अब इसी की जो रेप्लिकेशन है फर्दर स्टेप इन कीजिए सर आप। अब ये इसकी रेप्लिकेशन बनी हुई है, ये देखें ना, इसको मैं अगर लटकाता हूँ ये देखें टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं है, बिल्कुल मेटल सेम, सब चीज़ें सेम, लेकिन वो ओरिजिनल है, ये कॉपी है, रेप्लिकेटेड है, उसकी सीक्वेंस जो है वो सीक्वेंस में बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल एक मतलब कि बिल्कुल लेवल में है, और ये थोड़ा सा थोड़ा सा ज़िगज़ैग है, ये साथ उसी तरह ये सिल्वर में आ जाते हैं। सिल्वर में भी दो वेराइटीज हैं हमारे पास, बिल्कुल एक सिंपल में इस तरह, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और ये जिरकोनिया क्रिस्टल्स लगे होते हैं। जिरकोनिया क्रिस्टल सर। अच्छा जी हाँ, ये ज्वेलरी की फॉर्म में आती है। फिर आप अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो ये गिलेट में हमारे पास मतलब पेंडेंट्स हैं, छोटे भी बड़े भी, मल्टी शेडेड भी, मोर के पंख, ठीक है, अगेन हैंगिंग, ये आगे ट्राइंगुलर, प्राइस सिर्फ ओरली बता दें इसकी कितनी होगी। ये 1250 वाले सारे, कोई भी ले लें, छोटा लें बड़ा लें, 1250। अच्छा सर, जी सर। अच्छा सर, ये क्या चीज़ है? ये गिलेट मेटल में चोकर है सर। अच्छा, ये चोकर है। जी हाँ, ये इस तरह पहना जाता है, ये देखिए मैं आपको पहना के भी दिखा देता हूँ, ये इस तरह पहना जाता है सर। अच्छा सर, जी हाँ, जबरदस्त, ये इस तरह पहना जाता है। इसके साथ वैसे तो झुमके वगैरह या कोई इयर रिंग्स आते नहीं है। अच्छा, इसके साथ इयर रिंग्स नहीं आते, ये खाली चौकर पहना जाता है। मैचिंग में अगर इसके साथ चाहिए तो बहुत सारी वैरायटी आप मैच के साथ आप अरेंज कर, वो कस्टमर्स अपने उस तक है ना, माइंड सेट पे, वो कितना मतलब कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं, कौन सी चीज़ नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे ये चीज़ पड़ी हुई है, ये मल्टी शेड। जी जी, ये मेटल में आती है सर। अच्छा सर, ठीक है। और ये जो आजकल ड्रामा सीरियल चल रहा है अराउंड पाकिस्तान, अराउंड ग्लोब, ठीक है, अर्थ रोल, ये उसको फॉलो अप करने, उसकी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सर ये चीज़ बनाई गई है। अच्छा, मल्टी शेड में होती है, हर ड्रेस के साथ चल जाती है। अच्छा, और कॉइन्स तो जाहिर सी बात है अर्थ रोल ड्रामे की वजह से हर ज्वेलरी में कॉइन्स आने लग गए। अच्छा जी हाँ, तो ये उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए। अच्छा सर, प्राइस क्या होगी इसकी वैसे? ये 750 सर। 750 जी, और ये फेड नहीं होता, इसका कलर भी फेड नहीं होता, इसका जो गोल्डन आता है वो ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन अगेन वो अगर आप रीपॉलिश हो सकता है, रीपॉलिश वो आप खुद ही कर सकते हैं 5 रुपए में, मतलब कि लेमन मार दे दोबारा से शाइन करता है। ओके सर, जी सर। और रीपॉलिश करना भी इतना मुश्किल नहीं, नेचुरल चीज है वो, ऊपर वाला बहुत खाता है, नेचुरल चीज है। अच्छा सर, फिर इस तरफ आप देख सकते हैं ये फैंसी ज्वेलरी है। अच्छा सर, फैंसी ज्वेलरी, ये सारी फैंसी ज्वेलरी। जी हाँ, ये जी हाँ, इयर रिंग्स, टॉप्स, ये टॉप स्टाइल में सारे। कैसे इस टॉप स्टाइल में, ये देखिए टॉप स्टाइल ये होता है, बिल्कुल स्ट्रेट कान में जाने वाला, ठीक है। और एक होता है ये, जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये हुक, ये इयर रिंग्स में आता है। अच्छा सर, जी हाँ, टॉप्स में और इयर रिंग्स में ये डिफरेंस होता है सर। अच्छा सर, जी हाँ, इयर रिंग्स जो है हुक के साथ आते हैं और टॉप जो है बिल्कुल स्ट्रेट पुटेन होते हैं। अच्छा सर, अच्छा सर, जी सर। ये प्राइस क्या होगी इसकी फैंसी ज्वेलरी की? यहाँ से आप अगर फोकस करें, यहाँ से इधर 350 से 550 तक है, जो हमारी कस्टमर प्राइस होती है ना सेल में। सेल, जी हाँ, वैसे तो हम 950, 1250, 1350, 750 इस तरह मतलब हम सेल करते हैं। अच्छा, वो चीज़ आइटम तक होता है ना, आइटम मतलब कि बनावट कैसी है उस पर, ये जितने लगे हुए क्रिस्टल्स, ये सारे जिरकोनिया क्रिस्टल्स हैं। जिरकोनिया के क्रिस्टल लगे हुए हैं। अच्छा सर, और एज यू, और ये जो आपने दिखाए ये स्टफ वाइज भी बता दें सर, ये क्या चीज़? ये टर्किश ब्रास में आते हैं, कलर की फॉलो ऑन गारंटी होती है, ठीक है। अब इसी और इसको देखें और इसको देखें आप, आपको हल्का सा फर्क नजर आएगा, निग्लिजिबल है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये कॉपी है, ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है बिल्कुल। ये थोड़ा सा डल है ना, डल लुक दे रहा है, चूंकि एंटीक स्टाइल में बना हुआ है, उसकी रेप्लिकेशन है, 2 या 4 दिन पहने ऑक्सीडाइज होकर ये कलर फेड करना शुरू कर। अच्छा सर, अच्छा सर, यहाँ पे मैंने कुछ कड़े वगैरह देखे हैं, ये एंटीक पॉलिश, ये देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, ओल्ड रेप्लिकेशंस ऑफ मुगल, आप बैठ सकते हैं सर। थैंक यू। ये ओल्ड जो मतलब कि मुगल रेप्लिकेशंस है ना, मुगल के ट्रेडिशन को जो पहले आते थे, आज सदियों पहले, बिफोर क्रिस्ट कह सकते हैं। जी हाँ, बिफोर क्रिस्ट आप जैसे भी कह सकते हैं। अच्छा सर, वो उनका जो ट्रेडिशन था उसको फॉलो अप किया हम लोगों ने, ये सारे एंटीक कड़े ये पीछे लगे हुए हैं, एज यू कैन सी ये छोटे, ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरह पहने जाते हैं। अच्छा जी हाँ, ये ईरान के, अफगानिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, बलूचिस्तान के लोग, जी हाँ, और हत्ता के जो हमारे पास इटालियन आते हैं, इटली के लोग आते हैं, इजिप्शियंस आते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इनको। अच्छा, जी हाँ, प्राइस रेंज स्टेप बाय स्टेप बताओ। प्राइस रेंज इनकी जो मतलब कि साइज वाइज के हिसाब से भी होता है, ऊपर जो क्रिस्टल्स लगे होते हैं उनके हिसाब से भी होता है, डिज़ाइन वाइज के हिसाब से भी होता है।